संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी संत समाज, भक्तिमती माताएं एवं बहने, सर द्वारा आदेश हुआ है सो एक भजन आप लोग के समझ प्रस्तुत है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीनी दान। रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से प्रीत, रे मन कर साहिब से। Bye.
सद्गुरुदेव की जय। हेलो, बहुत खुशी और प्रसन्नता की बात है कि आज ऐसा पर्व जिस पर हम सबको बड़ा गर्व है, गुरु पूर्णिमा। नाम से ही पता चलता है कितना महत्वपूर्ण पर्व है ये। बहुत सारे पर्व हमारे देश में मनाए जाते हैं, लेकिन उन सारे पर्वों का अपना अलग अलग क्षेत्र हुआ करता है। किसी पर्व को कुछ लोग मनाते हैं, किसी पर्व को कुछ लोग मनाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा एक ऐसा पर्व है जो किसी मत पंथ जाति संप्रदाय से मतलब नहीं रखता, उसका मोहताज नहीं होता। ये पर्व सभी जगह बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, और आज वो दिन है जिसके लिए हम सब यहाँ उपस्थित हैं। तो अभी इस खुशी में हमारे बीच उपस्थित दो बहन शिव कुमारी और पूजा से भजन श्रवण किए। आइए थोड़ा और चलते हैं, और मैं इस कड़ी में हमारे अपने साथी प्रिय सुशांत साहब से, प्रशांत साहब से निवेदन करता हूँ, सॉरी श्री प्रशांत साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। वे आए और एक भजन और साथ साथ कुछ देर कुछ विचार रखें। दस मिनट विचार रखना। बोले सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी वंदनी मुदमंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं एवं बहनों, श्री साहब जी की आज्ञा हुई है आज्ञा पालनार्थ आप लोगों के समक्ष एक पद प्रस्तुत है जो सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब के जन्म से संबंधित है, महिमा से संबंधित है, उसके पूर्व कुछ विचार सुनेंगे। गुरु कुमार शिष कुंभ है, गुरु कुमार शिष कुंभ है, गड़ गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट, बाहर बाहे चोट। उन्नीस सौ तैतीस में 17 अगस्त को, 1933 में 17 अगस्त को श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। 1933 में 17 अगस्त को श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है, श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। हर घर में खुशियों की छाया जैसी छा गई, हाँ हर घर में खुशियों की छाया जैसी छा गई, मात पिता का हृदय
मानो भर आयो है मात पिता का हृदय, मानो भर आयो है गांव गांव हर गली में, हाँ गांव गांव हर गली में प्रेम लहर आ गई, गांव गांव हर गली में प्रेम लहर आ गई, खुशियों से झूम झूम दीपक जलायो है। 1933 में 17 अगस्त को श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। 9-10-11 माँ उमर जब आई गयो, माँ 3-1-2 में बितायो है। 9-10-11 माँ उमर जब आई गयो, माँ 3-1-2 में बितायो है। 6 मास की पढ़ाई में, 6 माह की पढ़ाई में बालक सुमिरन जी, 6 माह की पढ़ाई में बालक सुमिरन जी बड़े बड़े ज्ञानी को ज्ञान से झुकायो है। 1933 में 17 अगस्त को श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। बालक सुमिरन कुमार अवस्था कुपार भयो, पिता श्री जेल में सिर हाँ भार सिर आयो है। बालक सुमिरन जी कुमार अवस्था कुपार भयो, पिता श्री जेल में भार सिर पे आयो है। बड़ी उत्साह से सेवा कार्य करके, बड़ी उत्साह से सेवा कार्य करके पूजा पाठ ध्यान में मन को लगायो है। पूजा पाठ ध्यान में मन को लगायो है। 1933 में 17 अगस्त को श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। छोटी से उम्र छोटी से उम्र में रामायण गीता याद भयो, सुबह शाम बैठ कर कथा में सुनायो है। छोटी से उम्र में रामायण गीता याद भयो, छोटी से उम्र में रामायण गीता याद भयो, सुबह शाम बैठ कर कथा में सुनायो है। गुरु राम सूरत के दरस जब से पायो है, गुरु राम सूरत के दरस जब से पायो है, मन ही मन आप में वैराग भाव आयो है। मन ही मन आप में वैराग भाव आयो है। 1933 में 17 अगस्त को श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। गुरु राम सुहा लगभग 18 वर्ष घर में बिताए कर, लगभग 18 वर्ष घर में बिताए कर जन्म सिद्ध हेतु त्याग आश्रम में आयो है। जन्म सिद्ध हेतु त्याग आश्रम में आयो है। सदगुरु राम सूरत से साधु भेष पाए कर, सदगुरु राम सूरत से साधु भेष पाए कर अभिलाष दास नाम से आप दर्शायो है। 1933 में 17 अगस्त को श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। 3 माह में, 3 माह में ही ब्रह्म भूत सब भाग गयो, 3
मामें ब्रह्म भूत सब भाग गयो, आत्मा का बोध हो जीवन मुक्ति पायो है, आत्मा का बोध हो जीवन मुक्ति पायो है। आपके हृदय से संजीवनी प्रकाश भयो, आपके हृदय से संजीवनी प्रकाश भयो, 21 वर्ष उम्र में बुजुर्ग कहायो है, 21 वर्ष उम्र में बुजुर्ग कहायो है। 1933 में 17 अगस्त को श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। हाँ, थोड़े दिनों में ही चारों तरफ गूंज गयो, 60-70 साधु साधक शरण में लगायो है। थोड़े दिनों में ही चारों तरफ गूंज गयो, 60-70 साधु साधक शरण में लगायो है, 60-70 साधु साधक शरण में लगायो है। साक्षात सदगुरु कबीर मानो आ गयो, साक्षात सदगुरु कबीर मानो आ गयो, मन ही मन सबके दिल में समायो है, मन ही मन सबके दिल में समायो है। 1933 में 17 अगस्त को श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है, श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। सदगुरु अभिलाष देव वैराग त्याग पूर है, सदगुरु अभिलाष देव वैराग त्याग पूर है, वैराग त्याग रूप है, जैसा कहते थे वैसा करके दिखायो है, जैसा कहते थे वैसा करके दिखायो है। 26 सितंबर सन 12 को भी देह भयो, 26 सितंबर सन 12 को भी देह भयो, सदगुरु अभिलाष देव राम में समायो है, सदगुरु अभिलाष देव राम में समायो है। 1933 में 17 अगस्त को श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है, श्री राम सुमिरन का जन्म भयो है। अभी हम एक पद गुरुदेव जी की महिमा में उनके जन्म पर सुने, थोड़ी देर कुछ मिनट कहूँ क्योंकि पूरा समय भजन में चला गया, थोड़ा से अपनी बात कहता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, आज का दिन यदि हमारे जीवन में घट जाए तो मानो हमारा जीवन पूरा हो गया। संसार में कहीं भी रहें हम अधूरा पन का अनुभव करते हैं, कहीं भी रहें अधूरा पन का अनुभव होता है। माँ भी साथ में हो, पिता भी साथ में हो, भाई भी साथ में हो, पड़ोसी भी साथ में हो, पूरा संसार हमारे साथ हो, किंतु गुरु का जो महत्व है अगर वो हमारे जीवन में नहीं है, गुरु का जो ज्ञान है अगर वो हमारे जीवन में नहीं है, उनका जो ज्ञान ध्यान जो महत्व है अगर वो हमारे जीवन में नहीं है, गुरु की जो कीमत है वो अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो हम सदैव अधूरे थे, अधूरे रहेंगे और अधूरे सदैव रहेंगे। अब यदि हमें पूरा होना है, पूरा का अनुभव करना है, इस मानव जीवन की कीमत को समझना है, तो गुरु से हमें जुड़ना होगा, क्योंकि बिना गुरु के जीवन की शुरुआत नहीं होती है। यदि माँ बाप के रूप में गुरु ना होते तो शायद हम बोलना भी न जानते, ये पड़ोसी या माता पिता भाई बंधु रिश्ते नाते किसी को पहचान भी ना पाते, ये गुरु के रूप में आए तो हमें ये परिचय मिला, संसार का परिचय मिला। लेकिन एक आध्यात्मिक गुरु होते हैं जिनसे जुड़ जाने के बाद पूरा जीवन हमारा अमर हो जाता है। वास्तव में मानव जीवन अमरता के लिए ही मिला हुआ है, न जाने किस किस खानियों में भटकते रहे,
क्या क्या दुख सहते रहे, क्या क्या पीड़ाएं सहते रहे, भोगों को भोगते रहे, कोई तृप्ति नहीं मिली, कोई शांति नहीं मिली, कोई संत गुरुजनों की जरूरत नहीं पड़ी। आज वो समय है, आज वो हमारा जीवन मिला है, आज वो अवसर मिला है। यदि वो अवसर पर हम ध्यान नहीं दिए, चूक गए, तो समझ गए मानो हार गए। आज हमें वो समय मिला है, उस समय का हम महत्व समझें और गुरु से जुड़ करके अपने जीवन को शुरुआत करें, क्योंकि बिना गुरु से जीवन की शुरुआत नहीं होती है। चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे किसी कला के क्षेत्र में हो, चाहे गाड़ी लाइन के क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, बिना गुरु किए कोई काम बनने वाला नहीं है। हम गायककार बनना चाहते हैं, या कोई लेखन करना चाहते हैं, या कोई भी कुछ काम करना चाहते हैं, उसमें भी गुरु की जरूरत होती है, गुरु की जरूरत होती है। तो हम गुरु से जुड़े, गुरु से जुड़ करके ही हमारे जीवन की शुरुआत होती है। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, नहीं अज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को जिनसे भ्रमतम नाश। बिना गुरु के जीवन शुरू नहीं होता है, बिना गुरु के जीवन में ज्ञान नहीं होता है। अगर हमें ज्ञान की जरूरत है, ऐसा लगता है कि हमें ज्ञान चाहिए, तो गुरु से हमें जुड़ना पड़ेगा। ऐसे संत गुरुजनों के पास जाना होगा जिनसे हमें आध्यात्मिक रोशनी मिल सके, आध्यात्मिक प्रकाश मिल सके, हम अपने सत्य और असत्य, पाप और पुण्य, खाद्य और अखाद्य को पहचान सके। ये मानव जीवन क्या चीज है, ये कोई ऐसा नहीं है कि केवल खाओ पियो और मौज करो के लिए मिला है। लोगों से कहो किस लिए कमाते हो, तो कहते खाने के लिए। क्यों खाते हो, जीने के लिए। क्यों जीते हो, इसका पता नहीं होता है। अगर ये मानव जीवन पा करके, ये मूल्यवान जीवन पा करके, अपने को बुद्धिमान ज्ञानी समझते हुए भी अगर ये जीवन की कीमत को न समझ पाए, तो क्या समझे, क्या पाए, क्या कुछ नहीं पाए। ये धन, ये वैभव, इनसे केवल सुविधाएं मिलती है, भूख नहीं मिलती है। धन से केवल भोजन मिलता है, भूख नहीं। धन से केवल बिस्तर मिलता है, नींद नहीं। धन से केवल संसार की सुविधाएं मिलती है, सुख नहीं मिलता है। अगर हमें सुख चाहिए तो अपनी ओर निहार चलो, दुनिया झगड़े से क्या मतलब। अपने आप दुनिया उसी में सुधरेगी। दुनिया को सुधारने के लिए हम नहीं पैदा हुए हैं, बल्कि अपने को बदलने के लिए, अपने को सुधारने के लिए, अपने मन को देखने के लिए, अपने मन की तरंगों को मारने के लिए दुनिया में आए हैं। सद्गुरु कबीर साहब का भजन बहुत ही सरल, बहुत ही सटीक है। सद्गुरु कबीर साहब का भजन है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, आए हो तुम कहाँ से और जाओगे कहाँ, इतना तो दिल विचार लो बस हो गया भजन। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार जोर से सद्गुरु की महिमा पर जय बोले। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय, संत समाज की, भक्त समाज की, साहेब बंदगी साहेब। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथी श्री प्रशांत जी को। इस अवसर पर अनंत श्री विभूषित स्वरूपलीन सद्गुरु श्री अभिलाष साहेब की स्मृति में, उनके स्मरण में एक भजन और थोड़ी चर्चा उन्होंने हमारे बीच की। अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम अपने साथी श्री हमारे बीच उपस्थित हैं श्री जयंत जी, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आए और कुछ देर, क्योंकि भजन हम काफ़ी सुन चुके हैं, थोड़ा विचार अवसरवन करें। तो इस क्रम में हमारे बीच उपस्थित हो रहे हैं श्री जैन जी। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्मान्य सत्संग प्रेमी सज्जनों एवं माताओं, साहेब जी का आदेश हुआ है, आदेश पालना हेतु कुछ देर विचार रखने का प्रयास करता हूँ।
अपनी बात एक छोटी सी कहानी के माध्यम से रखूंगा। एक नदी थी, उसमें पानी बहता था। गांव के लोग स्नान करने जाते थे और उसी नदी में एक पत्थर था जो बरसों से उसमें पड़ा हुआ था। गांव के लोग उसमें स्नान करते, उसी पत्थर पर अपना कपड़ा धोते थे। छोटे छोटे जो बच्चे होते थे उस पत्थर पर चढ़ जाते और नदी में छलांग लगाते थे। ऐसे वो पत्थर बरसों से पड़ा हुआ था। एक दिन एक चित्रकार, एक कारीगर उस रास्ते से गुजरा, उस पत्थर को देखा और देखा एक पत्थर तो काम की चीज है, और उस पत्थर को उठवा कर अपने घर ले गया। बरसों परिश्रम किया, छेनी और हथौड़े से उस पत्थर को जो दुर्गुण था, जो अवगुण था, काट काट के निकालने लगा। कहीं पत्थर में गड्ढा करता, कहीं रिक्त स्थान छोड़ता, कहीं हल्की सी लकीर बनाता। बरसों के प्रयास के बाद उसमें एक सुंदर मूर्ति निकल आती है। वह मूर्ति मंदिर में प्रतिष्ठित हो जाती है और लाखों के आशीर्वाद देती है, दुख भंजन बन जाती है। सज्जनों, उसी पत्थर के समान हम सब लोग थे, अनगर पत्थर के समान जो बरसों से कहीं पड़े हुए थे। जब गुरु मिल गए, सदगुरु मिल गए, फिर जीवन जीने की कला सिखा दिए। यदि विचार करिए, हमको आपको जीवन में गुरु ना मिले होते, संत ना मिले होते, तो कहाँ होते हम लोग? कहीं जेल के चहरदीवारी के अंदर होते, कहीं शराब के नशे में होते, कहीं जुआ के अड्डे पर बैठे होते। ये सब उन्हीं की कृपा है। हम लोग जैसे भी है, सब उन्हीं के है। मैं कहा करता हूँ, जो माता पिता होते हैं वो सिर्फ जन्म देते हैं। हम सबको माता पिता सिर्फ जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते हैं। जीवन तो गुरु देते हैं, जीवन तो गुरु से शुरू होता है। जैसे मैंने कहा कि यदि गुरु ना मिले होते तो हम भी वहीं होते जहाँ अन्य लोग हैं। तो जो गुरु की महिमा है, जो गुरु की उपकार है, ये कभी भूल नहीं सकते हैं। जीवन में कुछ भी सीखते हैं गुरु से सीखते हैं। छोटी सी बात, छोटा सा काम जब भी सीखते हैं गुरु से सीखते हैं। जब सदगुरु मिल जाते हैं तो संसार सागर से, भव सागर से पार करने की कला सिखा देते हैं। आदमी हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है, कभी हंसता भी नहीं है। जो हंसेगा नहीं कभी किसी को हंसा भी नहीं सकता है। लेकिन जब सदगुरु मिल जाते हैं तो फिर देखिए जीवन जीने की जो मजा है कुछ और ही होता है। अब जानते हैं अंगुली माल के बारे में। यदि अंगुली माल को महात्मा बुद्ध न मिले होते, भगवान बुद्ध न मिले होते, तो अंगुली माल अंगुली बनकर रह जाता। यदि रत्नाकर को नारद जी ना मिले होते तो रत्नाकर रत्नाकर बन के रह जाते, वाल्मीकि नहीं बनते, अंगुली माल महान भिक्षु नहीं बनते। सज्जनों, एक गुरु के उपकार है जो रत्नाकर से वाल्मीकि बने और अंगुली माल से महान भिक्षु बने। जीवन में यदि सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जीवन को समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तो सबसे प्रथम काम आपको करना होगा, गुरु के पास जाना होगा। लेकिन गुरु के पास जाए कैसे? हम कुछ भार लेके जाते हैं। वो भार क्या होता है? अहमता, ममता, अहंकार का। जब भी गुरु के पास जाए तो यह सोचकर जाए कि हम गुरु से कुछ सीखने जा रहे हैं। और सबसे पहले गुरु को जो चढ़ाते हैं, जो भेंट चढ़ाते हैं, अपने अहंकार को चढ़ा दे। जो भी व्यक्ति गुरु को अहंकार चढ़ा देता है उसका जीवन सफल हो जाता है। यदि हम सबको जीवन में कोई अवरोधक है, कोई रोड़ा है, तो वो है हमारा अहंकार।
हम इसको त्यागना नहीं चाहते हैं, इसको छाती और पेट से लगाए रखना चाहते हैं। तो गुरु को जब भी चढ़ाए, जो भी भेंट दे, अपने अहंकार को चढ़ा दे। और गुरु की महिमा, गुरु की महिमा कौन कह सके, कौन गा सके, कौन लिख सके हैं? इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुए हैं जो गुरु की महिमा कह सके। सदगुरु कबीर की साखी सब जानते ही है, सब धरती कागज करो लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करो गुरु गुण लिखा न जाए। जितनी पृथ्वी है सबको कागज बना दे, जितने पेड़ है सबको कलम बना दे, सात समुद्र को स्याही बना दे, और गुरु को गुण लिखेंगे नहीं लिख पाएंगे। गुरु क्या नहीं सिखाते हैं? हमारे आश्रम में जितने संत लोग हैं, आप लोग तो कुछ दिन के लिए आते हैं, कुछ घंटों के लिए आते हैं, चले जाते हैं। जो हमारे संत लोग हैं बताते हैं कि गुरु क्या नहीं सिखाते हैं। बरस कैसे करना है गुरु जी सिखाते हैं, कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, सब गुरु सिखाते हैं। गुरु माँ के दर्जा निभाते हैं, गुरु पिता के दर्जा निभाते हैं, तो गुरु भाई और मित्र की भी दर्जा निभाते हैं। जो भी संत लोग अपने घर द्वार को त्याग के आते हैं, गुरु के पास आकर क्यों समर्पित हो जाते हैं, क्यों रह जाते हैं, बरसों बरसों सालों सालों घर नहीं जाते, कभी याद नहीं आती है? क्योंकि जितने भूमिकाएं हैं गुरु निभा लेते हैं। गुरु जानते हैं कि शिष्य को कैसे रखना है। तो गुरु के पास जब भी जाते हैं, कहते हैं ना, एक बार जो दर्शन पाता है बस आप ही का हो जाता है। क्या गुप्त तुम्हारी प्रीति है धन्य तुम्हारे चरणों में। वैसे समर्थ गुरु भी होना चाहिए। यदि समर्थ गुरु नहीं है तो फिर हम निभा नहीं पाएंगे। समर्थ गुरु हो, यदि शिष्य ही समर्पण ना हो तो फिर भी लाभ होने वाला नहीं है। एक सिक्की के दो पहल होते हैं। जब गुरु समर्थ हो तो शिष्य को भी वैसा होना चाहिए, शिष्य समर्थ हो गुरु को भी समर्थ होना चाहिए। तो गुरु की महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार। गुरु की महिमा अनंत है। हम जो कुछ भी है, जैसा भी है, भले हैं बुरे हैं, मगर है तुम्हारे, तुम्हें छोड़ो जीव में किसके सहारे। अब तो सबको छोड़ के आ गए हैं, अब तो सिर्फ गुरु जी ही है। तो जीवन को जब शुरुआत करना हो, मैं कहा कि माता पिता जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है, अस्तो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृत गमयति। वो गुरु होते हैं, वो ऋषि होते हैं, वो संत होते हैं, जो हमारे जीवन में असत्य है, असत्य से सत्य की ओर कैसे जाए, अंधकार है, अंधकार से प्रकाश की ओर कैसे जाए। हम सब मृत्यु से डरते हैं, कहीं मर ना जाए। एक आदमी मर के जाते हैं, कुछ देर के लिए मन में होते हैं कि मैं भी ना मर जाऊं, फिर उसे भूल जाते हैं। तो इस मृत्यु से अमरता की ओर जाने की रास्ता गुरु बताते हैं। गुरु क्या देते हैं? गुरु निर्भयता देते हैं। जीवन में कभी भय नहीं होता है, कभी डर नहीं होता है। आज क्या खाएंगे, कल क्या खाएंगे, आज क्या होगा, कल क्या होगा, ये सारे भयों से मुक्त कराते हैं वो सदगुरु होते हैं। आदमी के जीवन में एक ही समस्या है, वो है भय, वो है चिंता। यदि गुरु के पास जाएंगे, गुरु से जुड़ जाएंगे, तो गुरु क्या कहेंगे? चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई सहंसा। गुरु आपको सम्राट बना देंगे, गुरु आपको महान बना देंगे। एक छोटी सी मैं बात सुनाओ। राजस्थान के एक गरीब व्यक्ति था। परम पूज्य गुरुदेव जी का कार्यक्रम हुआ हुआ सालावास में वो व्यक्ति आया, गुरुदेव को बंदगी किया। गुरुदेव ने कहा कि जाओ तुम सेठ हो जाओगे। गुरुदेव ने कहा तुम सेठ हो जाओगे। सचमुच में वो आदमी सेठ हो गया। आज भी बुलाते हैं संतों को, उनके यहाँ जाते हैं, सत्संग होता है। तो गुरु क्या नहीं देते हैं? गुरु सब कुछ देते हैं। मानसिक रोग तो दूर करते ही है, शारीरिक रोग भी दूर करते हैं। इसलिए गुरु का
अति आवश्यकता है हमारे जीवन में। मैं कहता हूँ कि जितने सांस की आवश्यकता है उतना ही जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है। यदि गुरु नहीं मिलेंगे जीवन जीने की कला नहीं सीख पाएंगे। तो हम सबको एक ही काम करना है, संतों से जुड़ना है, सदगुरु से जुड़ना है। सदगुरु वो जहाज होते हैं जो भवसागर से पार करते हैं। तो कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया, इसी शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु देव की जय। बोलिए सदगुरु देव की जय। अभी से इतने ठंडा गए आप लोग? अरे गुरु पूर्णिमा है, गुरु पर्व है, उत्साह होना चाहिए, जोश होना चाहिए। एक बार जोर से जयकारा लगाइए। बोलिए सदगुरु देव की जय। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। धन्यवाद। अभी श्री जयेंद्र जी के द्वारा गुरु पूर्णिमा पर ये विचार श्रवण किए कि जन्म देने वाले माँ बाप हर खाने के प्राणी को उपलब्ध होते हैं, लेकिन जीवन देने वाला यदि कोई शख्स है, कोई महापुरुष है, कोई व्यक्ति है, तो वो गुरु होता है और गुरु से ही जीवन शुरू होता है। अभी श्रवण किए सुबह के सत्र में गुरुदेव जी ये बता रहे थे कि गुरु पूर्णिमा जिसे हम व्यास पूर्णिमा और आषाढ़ पूर्णिमा भी कहते हैं। आज आषाढ़ पूर्णिमा है और इसे व्यास पूर्णिमा व्यास जी से जोड़ा जाता है, क्योंकि साहित्यों में शास्त्रों में चर्चा है वेद का संपादन करने वाले व्यास जी एक बहुत ही समर्थ महापुरुष हुए हैं। और इसलिए आपने ये भी सुना होगा जब भी कोई बड़ी सभा होती है जहाँ गद्दी लगती है उस गद्दी को व्यास गद्दी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, अभी और भी कई संतों के विचार इस क्रम में हमें श्रवण करना है। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। अभी हमारे साथी श्री करमचंद साहब से इस अवसर पर बहुत ही सुंदर विचार श्रवण किए। गुरु पूर्णिमा क्यों और कैसे मनाना चाहिए, आप सब पता है, जानते हैं। जब आदमी किसी को कुछ देता है, किसी को कुछ सहयोग करता है, उपकार करता है, तो उपकृत व्यक्ति उसके उपकार को नहीं भूलता है, किसी न किसी तरह उसको धन्यवाद ज्ञापित करता है। जब एक संसारी चीज, एक लौकिक चीज जिसका आजकल में नष्ट हो जाना, खत्म हो जाना निश्चित है, जब उस चीज के देने वाले, उसका सहयोग करने वाले व्यक्ति के प्रति हमें हम उपकार मानते हैं, तो ऐसी चीज जो हमें गुरु द्वारा प्राप्त होता है, एक ऐसा बोध सुबह के सत्र में गुरुदेव जी बता रहे थे कि गुरु हमें कितने प्रकार के ज्ञान देते हैं। भौतिक ज्ञान, चारित्रिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान, इन चारों ज्ञान का बोध देने वाला। क्योंकि जब तक बोध नहीं होता तब तक जीवन में अवरोध ही अवरोध उत्पन्न होता है। इसलिए गुरु के द्वारा प्राप्त जो ज्ञान है उसका उपकार है, उसे हमें जीवन में नहीं भूलना चाहिए। और उसी की याद में हम आज गुरु की याद करते हैं, उनकी स्तुति वंदना करते हैं। आइए आगे चलते हैं।
हमारे बीच हमारे साथी श्री बीरेन साहब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप आएँ और इस अवसर पर अपने विचारों से हम सबको लाभान्वित करने का कष्ट करें। श्री बीरेन साहब बोलिए, सद्गुरु देव की जय। हेलो हेलो हेलो, प्रेम से बोलिए, सदगुरु कबीर साहेब की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी अर्चनी बन्नी संत समाज इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, प्यारे बच्चों, आज का पर्व हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु हमें हमारी अपनी कीमत बताते हैं कि तुम क्या चीज हो। संसार में दो वस्तुएं हैं जिन्हें हम एक को कहते हैं जड़ और दूसरे को कहते हैं चेतन। कुछ लोग होते हैं वस्तुवादी अर्थात भौतिकवादी, जो कहते हैं खाओ पियो और मौज करो। एक ये होते हैं और दूसरे होते हैं खाओ पियो लेकिन सावधानी पूर्वक खाओ, मौज करने के हिसाब से ना खाओ। एक ये होते हैं। तो हमें हमारी अपनी कीमत बताने वाले जो गुरु हैं वे हमारे लिए श्रेष्ठ हैं, क्योंकि भौतिक वस्तुओं की कीमत तो हर आदमी कर लेता है और लोगों की दृष्टि है भी वही भौतिकवादी दृष्टि। लेकिन हम जब गुरु करते हैं तो वे हमारी अपनी कीमत बताते हैं कि तुम क्या चीज हो। तो इन दोनों बातों में फर्क है। भौतिकवादी कोई गुरु अगर नहीं मानता है, लेकिन जो अध्यात्मवादी होता है वो गुरु मानता है और गुरु के आधार पर ही अपने जीवन का परिष्कार करता है। इसीलिए तो हम देखते हैं एक खूंखार सा आदमी है जब किसी गुरु की शरण में आ जाता है एन केन प्रकारण, दो चार साल बाद उसे देखा जाता है, नहीं लगता ये कि वही आदमी होगा, वह बदल चुका होता है। क्यों? इसलिए कि गुरु ने उसे तरास दिया, गुरु ने उसकी कीमत उसे बता दी और अपनी कीमत जानकर वह आदमी जो कल तक खूंखार था वो खूंखारपना छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि उसे अपनी कीमत का ज्ञान हो गया। तो वही चीज हमें सदगुरु संत हमें याद दिलाते हैं कि तुम क्या चीज हो, हम क्या हैं। वही चीज हैं जिसने
इस संसार में विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की कल्पना करके, ईश्वर परमात्मा की कल्पना करके उनको साकार रूप बनाने का प्रयास किया। आप में और हम में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, हमारी इतनी कीमत है कि हम ईश्वर परमात्मा की कल्पना करके एक बहुत बड़ा समाज खड़ा कर सकते हैं। इतनी कीमत है आपकी। देखिए संसार में क्या हो रहा है, एक महापुरुष आया और बहुत बड़ा समाज एकत्र कर लिया, वहीं पर नहीं रुक जाता है। वो कहता है कि पूरे विश्व में केवल हमारा ही कौम रहेगा। देखिए आपकी ताकत है ये, यह बात अलग है। कुछ ऐसे होते हैं जो मार काट को ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन जो आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वे इन बातों से विरत होते हैं। वे अपनी आत्मा की ओर लौटते हैं, समझते हैं कि जैसे मैं हूं वैसा अन्य प्राणी भी है। सदगुरु कबीर की दृष्टि इतनी व्यापक थी कि वे मनुष्य मात्र के लिए अपना जीवन स्वाहा नहीं करते हैं, बल्कि प्राणियों को भी देखते हैं। इतनी उनकी तेज दृष्टि है कि प्राणियों के अंदर भी पहुंच जाते हैं कि प्राणियों के शरीर है उसमें भी वह तत्व विराजमान है जो आपके शरीर में विराजमान है। इसी कहते हैं पारदृष्टि। वो शरीर से भी भेद कर लेते हैं, शरीर के अंदर भी घुस जाते हैं और देख लेते हैं चीरफाड़ कर कि उसमें भी वही तत्व है जो मेरे अपने में है। समझ जाते हैं उसकी कीमत क्या है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, जीव मति मारो बापुरा सबका एक है प्राण, हत्या कबन छूटी है जो कोटिन सुनो पुराण। सदगुरु कबीर तो अध्यात्म जगत के बहुत बड़े चिकित्सक हैं। वे इस बात की हर बात को ऑपरेशन करके देखना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने बात कह दी वे सुन लिए और मान लेंगे, वे ऐसे नहीं है। वे तो हर बात को जांचना परखना वो पसंद करते हैं। श्रद्धा का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे गुरु ने जो बात कह दी उसमें हम राजी हो जाएं। हाँ, कुछ ऐसे भी गुरु होते हैं जिनकी बातों को आप काटिए मत, आपको सही दिशा निर्देश देंगे। ऐसे भी गुरु संसार में हैं, लेकिन ऐसे भी गुरु हैं संसार में यदि उनकी बातों की निरख परख न की जाए तो हमें वो रसातल में ले जाएंगे। संयोग से हमें सदगुरु कबीर का यह सिद्धांत मिला, उनकी वाणी मिली और उनके सिद्धांत और वाणी को समझने का अवसर मिला। कितनी अच्छी बात है। जो हमारे उपनिषद के ऋषि कह गए हैं आत्मा ही परमात्मा है, बीच में पुराण काल आया, पुराण काल में यह सब नहीं देखा जाता है। उपनिषद बिल्कुल रद्द, उस पर पुराण जो है अपना पैर रखकर चलता है, किसी को देखने नहीं देता है, पैर रखकर आगे बढ़ता है। अब इस तरह वो पुराण के पैर के नीचे उपनिषद क्या है दब गए। आत्मा ही परमात्मा है इस बात को हम भूल गए, लेकिन सदगुरु कबीर ने उसको बड़ी बारीकी से देखा। जैसे कोई आदमी कहीं जा रहा हो और संयोग से उसे कोई फटा पुराना कोई किताब मिल जाए, उनकी दृष्टि किताब पर पड़ती है और उठा लेता है। उठाने के बाद उसे देखता है, पठन करता है उसका, अरे क्या कहते इसमें तो हीरा हीरा भरा है,
ऐसे सदगुरु कबीर उनकी पार दृष्टि से, अपनी पार दृष्टि से क्या देखता। अरे हमारे तो जमाने में हमारे ऋषियों ने हमको उपनिषद दे गए हैं, लोग उनको नजरअंदाज करते हैं, केवल पुराण हम देखते हैं। तो सदगुरु कबीर ने पुनः उस बात को जो हमारे ऋषियों ने दी थी कि आत्मा ही परमात्मा है, सदगुरु कबीर वहां से ढूंढकर हमारे सामने लाकर रख दिए। कितनी अच्छी बात है, अन्यथा हम भी नहीं जानते अपनी कीमत और यूं ही हम अपने आप को फेंक देते। और जो अपनी कीमत नहीं जानते हैं यूं ही संसार की विषय वासनाओं में फेंक दिए, समझते हैं इसका इतना ही मूल्य है, खाओ पियो और मौज करो और इसके अलावा कोई कीमत नहीं इसकी। लेकिन सदगुरु कबीर ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक बात और, मनुष्य शरीर की विशेषता इतनी अधिक है कि इसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। आप इस साधन से, जैसे है एक टेम्पो है, टेम्पो इस रूट से जा रहा है, स्टेशन की ओर जा रहा है, चिल्लाते रहता है टेम्पो पानी टंकी, टेम्पो पानी टंकी, स्टेशन स्टेशन तक जाता है, लेकिन बीच में पानी टंकी भी रोकता है। जो आदमी पानी टंकी में रुकना चाहे वहां रोक देगा, चौफटका में रुकना चाहे वहां रोक देगा, सुलेमसराय में रुकना चाहे वहां रोक देगा, वो साधन है। ऐसे ही ये मनुष्य शरीर एक ऐसा साधन हमको मिला है, चाहे तो इसमें इस साधन से हम नरक में जाएं, चाहे स्वर्ग में जाएं, चाहे मोक्ष में जाएं, इस साधन का हम ऐसा उपयोग कर सकते हैं। जैसे टेम्पो में बैठते हैं और टेम्पो में बैठकर जाने वाला आदमी जहां मन चाहा होता है वहां रुक जाता है, उतर जाता है, ऐसे ही ये मनुष्य शरीर जो हमको मिला है ये इतना बढ़िया साधन है कि नरक में भी जाएंगे तो भी वाह वाह है, स्वर्ग में जाएंगे तो भी वाह वाह है, और मोक्ष में जाएंगे तो भी वाह वाह, ये तीनों के लिए बराबर उपलब्ध है। अब निर्णय हमारा यहां पर ये होता है हम कहां जाना चाहते हैं। वही टेम्पो है जो स्टेशन तक जाता है, लेकिन उसमें सुलेमसराय वाला आदमी भी बैठा है, चौफटका वाला आदमी भी बैठा है, पानी टंकी उतरेगा वो भी बैठा है, लास्ट में कहां जाएगा स्टेशन जाएगा वो भी बैठा है, सबके लिए बराबर अवेलेबल है। इसी प्रकार हमारे लिए शरीर जो है बहुत उत्तम मिला है। अब प्रश्न होता है कि हम कहां जाना चाहते हैं। तो मैं कह रहा था गुरु ने हमारी कीमत बताई कि तुम्हारी ऐसी कीमत है कि कोई आदमी तुमको खरीद नहीं सकता, और तुम अपने को किसी को दे नहीं सकते, इतनी स्वतंत्र वस्तु है हमारी। अब इस वस्तु को पाकर हम कहें कि जीवन में हमको दुख मिल रहा है, हम असंतुष्ट हैं, हम शोकित हैं, तो कितना गलत है। आप शोकित होना चाहेंगे तो शोकित हो सकते हैं, प्रसन्न रहना चाहें तो प्रसन्न रह सकते हैं, इसमें कोई आप मैंने कहा ना आप स्वतंत्र हैं क्या करना चाहते हैं। इसलिए अपने जीवन को आप अपने अनुरूप ढालिए। ये गुरु पूनम का अवसर है, इस समय हम लोग गुरु दरबार में आए हैं, यहां से जो कुछ भी ज्ञान की बातें मिलती है इन बातों को ले जाएं।